चाहे जैसे आंदोलन में खड़े हो जाना, आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डेढ़ साल पहले हमने व्याख्याताओं की भर्ती का विज्ञापन हमारी बीजेपी सरकार ने निकाला, फिर जब चुनाव के बाद में एग्जाम की डेट आई तो हमारे बेटे और बेटियों ने कहा साहब चुनाव के कारण से हम थोड़ी अध्ययन नहीं कर सके, तो हमने उस डेट को बढ़ा दिया और बढ़ा करके अब जनवरी में होने वाली है। मैं आपसे फैसला कराना चाहता हूं कि जो बेटे और बेटियां जो डेढ़ साल से एग्जाम की वैकेंसी निकलने के बाद में जो लोग पढ़ रहे हैं वो कोचिंग वालों को पैसे दे रहे हैं, वो शहरों में मकान लेकर के पैसे दे रहे हैं, अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को इस कोचिंग वालों को लाख लाख दो दो तीन तीन लाख रुपए दे चुके हैं, अगर उस परीक्षा को और आगे बढ़ा दिया जाएगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी आप बताइए, वो उनके भविष्य का क्या होगा जो कमरों में बैठे हैं, कईयों की मंगनी हो गई, किसी की शादी हो गई।